सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है एचसी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा मकर। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने आज नमस्कार की जगह सत श्री अकाल क्यों बोला, तो वो इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ जाने माने सिंगर अरनेत जुड़े हैं हमारे साथ, जो कि खुद पंजाबी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एचसी न्यूज के स्टूडियो में। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। आपका कोई आपसे सवाल पूछने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने इंट्रोडक्शन दो लाइन गा के ही करें। ओके जी। तेरा यार डिफॉल्टर ता होया नहीं, कुछ बंदे डिफॉल्टर टक्कर गए। हाय यार डिफॉल्टर ता होया नहीं, कुछ बंदे डिफॉल्टर टक्कर गए। बहुत ही बेहतरीन आवाज है इनकी। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपके जो पहले भी बहुत ज्यादा गाने हिट हुए हैं उनका नाम था डिफॉल्टर, अब आपका गाना रहा लुटेरा, उससे पहले था स्ट्रगलर, तो सारे गाने के नाम ऐसे क्यों चुनते हो, स्ट्रगलर, डिफॉल्टर, लुटेरा? कुछ अपनी पर्सनल जिंदगी से जुड़े इनके टाइटल्स होते हैं या मतलब क्या लॉजिक लगाते हो इन्हें सुनते वक्त? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी गाने को ला लो या किसी भी चीज़ को बेचने के लिए, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, ये डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या है। जी बिल्कुल। अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी गाने का नाम अच्छा होगा, लुटेरा, डिफॉल्टर, स्ट्रगलर, क्योंकि ये वो वर्ड हैं जो अक्सर जो जर्नली नोट्स में, इंसान के नोट्स में होते हैं। सो जो नेम सिलेक्शन है गानों की मैं खुद करता हूँ, डिफॉल्टर भी मैंने ही किया, दबदा के थे, पॉइजन, स्ट्रगलर एंड लुटेरा भी मैंने ही किया। अच्छा, तो जैसे कि हमने सुना है कि पंजाबी गानों की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में दो ही चीज़ें क्रैक होती है, पहली लड़की, दूसरी गाड़ी, तो लुटेरा में क्या है ऐसा अलग? लुटेरा में लड़की भी है, गाड़ियाँ भी हैं। अच्छा। और गाड़ियों के साथ साथ कुछ हथियार भी दिखेंगे गाने में। हमने सुना है कि लुटेरा में आपने सपना चौधरी को लिया, सपना चौधरी जो पूरी हरियाणा की जान है, पूरी धूम मचा देती है, तो मतलब क्या लग रहा है कि लुटेरा में भी वो आई है पहली बार पंजाबी गाने के अंदर में, हरियाणवी का मतलब ऐसा डुएट पहली बार देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, जैसे सपना चौधरी भी हरियाणा की जान है, इसीलिए हमने गाने में लिए, गाने की भी जान बन जाए जी जी। और हम ये कामना करते हैं, हमको चाहने वाले से भी हरियाणा में पहली बारी एक गाना जो हिंदी पंजाबी मिक्स गाना है वो, और इसको सपना चौधरी को गाने में लेने का मेन रीज़न यही था क्योंकि वो पंजाबी और हिंदी मिक्स है गाना, और गाना खुद डिमांड कर रहा था जैसे कि सपना चौधरी ही गाने में चाहिए जी। हाँ जी। तो अरनेत, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने मतलब कब सोचा, जैसे आपने गाने बनाते गए, आपके सारे गाने ऑलमोस्ट पंजाबी में रहे हैं, ये गाना आपका पंजाबी और हिंदी दोनों में रहा है, तो आपने मतलब ये क्यों, ये क्या सोच के टारगेट के ऑडियंस को कि इस बार कुछ अलग करना है, हटके करना है? बिल्कुल बिल्कुल, जब कोई भी काम शुरू करता है हर एक इंसान यही चाहता है कि मैं दिन प्रतिदिन ग्रोथ करूँ, और पंजाब में मुझे बहुत प्यार करते हैं, और थोड़ा थोड़ा वो टोटली हिंदी नहीं है गाना, पंजाबी उसमें, मैं पंजाबी मैं कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि पंजाब से मैंने जन्म लिया, वो मेरी मातृभाषा है, वो कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। और हिंदी ऐसे भी मैं ये सोचता हूँ भी हर कैटेगरी के इंसान के दिल में बास करना है मैंने। तो ऐसे सब जानते हैं कि आपकी हिंदी थोड़ी सी वीक है, तो ये गाना बनाते वक्त कोई दिक्कत नहीं आई जब हिंदी बोलना था कि हिंदी में बोलते बोलते पंजाबी एक्सेंट आ गया हो या पंजाबी वर्ड शुरू हो गए हो? नहीं नहीं, मैं ये कैमरे पे खुद मान रहा हूँ मैं टोटल क्लियरली हिंदी नहीं बोल सकता, मैं हिंदी और पंजाबी मिक्स करता हूँ। जैसे कहावत बनी थी शायद वो हमारे भगवंत मान ने बोला था, वो हिंदी में बोलते हैं कैसा टोआ पाटा है, ना लांगा जाता है ना टापा जाता है, सेम सिचुएशन है मेरे लिए हिंदी बोलना। अच्छा अच्छा। तो आपका बेसिक मोटिव क्या था कि गाने का नाम आपने लुटेरा देना है? लुटेरा मैंने एक शेयर लिखा था, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, वो लिखा था दिन, उससे शायद तुम समझ पाओगे मैंने गाने का नाम लुटेरा क्यों रखा। वो लिखा था, दिन दिहाड़े हुए धोखे ना टिकने दिया रातों ने, कभी स्ट्रगलर कभी डिफॉल्टर बनाया मुझे हालातों ने, जहाँ तक दुश्मन मेरे काम ख़त्म करते हैं मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ, लुटेरा हूँ लेकिन सोना चांदी और हीरे नहीं, मैं तो दिल लूटने की बात करता हूँ। अरे वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो अरनेत, आपने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया? करियर मैम, मुझे बचपन से ही गाने का शौक था जी। और जैसे कॉलेज में सबसे पहले बच्चा कोई भी अपनी लाइफ स्कूल से शुरू करता है, स्कूल में छोटे छोटे प्रोग्राम होने उसमें पार्टिसिपेट करना, और उससे बाद जैसे मैं बड़ा होता गया मेरा शौक उसी तरह बढ़ता गया, और जैसे मेरे नज़दीक जो गांव पढ़ते थे वहां पे किसी मेरे सीनियर आर्टिस्ट का वहां पे शो लगना,
और वहाँ से जाके उन लोगों से बात कर लेनी जो शो करवाते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, भी एक दो गाने का मुझे भी टाइम देना। ऐसे करते करते ये कीड़ा बड़ा होता गया और आज सक्सेस मिली है। तो आपका जो पहला गाना लॉन्च हुआ था, हाँ जी, तो उस गाने का जो पहला गाना और अब, तो मतलब जो आपका बीच का जो सफ़र था वो मतलब किस तरह आपने तय किया? बहुत डिफ़िकल्टीज आई होंगी, जैसे कि आप जानते हैं मास कम्युनिकेशन बहुत बड़ी फील्ड है हमारा। मास कम्युनिकेशन में बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं सिंगर बनना, लेकिन फिर बस यही आ जाती है बात, स्ट्रगल आएगा आगे। तो वो स्ट्रगल को फेस करना और उन्हें कैसे ओवरकम किया जाए, इसके बारे में आप क्या बोल? शायद टीवी पे एक मशहूरी आती है, वो मेरे ख्याल लिम्का की, पता नहीं कोका कोला की है, वो मेरे ख्याल उसको पीकर बोलता है, डर के आगे जीते हैं, माउंटेन ड्यू, हाँ उसमें बोलता है डर के आगे जीते हैं, क्योंकि किसी भी कामयाबी को पाने के लिए जी, जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता ही है ना, और किसी भी मंजिल को पाने के लिए कोई भी मंजिल सौखी बिल्कुल नहीं मिलती, आसान बिल्कुल नहीं मिलती, हर एक काम मेहनत तो लगती है जी। तो आप यहाँ पर में आए, आपने लुटेरा गाना गाया, दूसरों को भी बताया कि क्या है, तो आपको मतलब कैसा लगा? बिल्कुल, आज मैं दिल्ली में आपके पास, हरियाणा जो मेरे दिल की इच्छा थी, मैं सभी कैटेगरी के लोगों के दिल में वास करूं, और आज आया मैं, मुझे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले तो सुनते थे भी हरियाणा में मेरा गाना बड़ा चला है, डिफॉल्टर स्ट्रगलर, लेकिन जितनी देर मैं अपनी आँखों से देख नहीं पाऊँगा मैं यकीन नहीं करूँगा, आज मैंने देख लिया, मुझे बिल्कुल खुशी मिली, भी डिफॉल्टर सभी ने सुना हुआ है और स्ट्रगलर सभी ने सुना हुआ है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो लुटेरा के लिए, और आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे स्टूडियो में आए, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।